नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पीएम मोदी ने सुबह 7 बजे ले पहुंचकर देश के साथ दुनिया को चौंका दिया। उनका यह ले दौरा पूरी तरह अप्रत्याशित था। देश के सबसे बड़े नेता ने खुद सैनिकों के बीच पहुंचकर चाइना को सीधा संदेश दे दिया है, यानी चीन को बता दिया है कि यह 1962 का भारत नहीं है। पीएम मोदी ने नीमू में एयरफोर्स आईटीबीपी और थलसेना के जवानों से मुलाकात की है। बताया गया है कि इस दौरान पैरा कमांडो फोर्स से भी मोदी की मुलाकात हुई है। यह वही स्पेशल फोर्स है जिसने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इससे उस चर्चा को भी बल मिला है कि भारत चीन पर कोई बड़ा एक्शन कर सकता है। भारत की यह फोर्स बेहद ही घातक मानी जाती है और किसी भी टारगेट को ध्वस्त करने में इनका औसत 100% रहा है। इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी का यह दौरा अप्रत्याशित जरूर है, मगर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति तैयार हुई है। अगर चीन बातचीत से लाइन पर नहीं आया तो उसके लिए विकल्प पूरी तरह तैयार है, यानी आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने से रोकने की जिम्मेदारी अब चीन के ऊपर आ गई है। वे अप्रैल 2020 वाली स्थिति पर नहीं लौटता है तो उसे खदेड़ने की तैयारी कर ली गई है। बड़ी बात यह है कि मोदी ने अपने जवानों के बीच पहुंचकर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को भी मैसेज दिया है। पीएलए के जिनपिंग अपने सैनिकों के बीच आने की तो छोड़िए, गलवन में माओघाट पहुंचाए गए सैनिकों की मौत को ही छिपा रहा है। इससे जहां भारत की सेना का हौसला आसमान पर हो गया है, वहीं पीएलए का मनोबल पहले से कमजोर दिखाई दे रहा है। यानी पीएम मोदी का यह दौरा अपने आप में बेहद अहम हो गया है। पीएम मोदी के फॉरवर्ड लोकेशन पर जाने से दुनिया को भी संदेश गया है कि भारत दुश्मन के अलग में हाथ डालकर आते बाहर निकालने की ताकत रखता है। पर यह मामला यहां तक ही सीमित नहीं है। चुसूल और मोल्डो में कमांडर स्तर पर हुई चीन भारत की बातचीत कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकी है। हालत यह है कि बातचीत के दौरान भी चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। उसने एलएसी के पार भारत के मुकाबले पीएलए की तादाद 6 गुना बढ़ा दी है। तोपों, टैंकों और मिसाइलों को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया है। यहां तक कि अपनी रॉकेट फोर्स को भी अग्रिम मोर्चे तक ले आया है। यानी चीन की मंशा वापस लौटने की नहीं लगती है और भारत उसे तय स्थान से पहले देखना नहीं चाहता है। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यही है कि भारत के सामने चीन पर एक्शन के अलावा सीमित विकल्प ही बचे हैं। चीन की कार फौज में भगदड़ मचाने का काम स्पेशल फोर्स बेहतर कर सकती है। यह फोर्स गुप्त मिशन को अपने अंजाम तक पहुंचाने में महारत रखती है। सेना द्वारा इन फोर्स को जंग के मैदान में उतारने का सीधा मतलब यही है कि भारत चीन को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बड़ी बात यह है कि स्पेशल फोर्स के मोर्चा संभालने का मतलब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों में खलबली मचा देना है। वैसे भी पीएलए की गिनती साहसी सैनिकों में नहीं होती है। जरा सा खून देखते ही पीएलए के सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगते हैं। ऐसे में स्पेशल फोर्स को जिम्मेदारी मिलने का मतलब चीनी सेना में घबराहट उत्पन्न करना है और शायद एलएसी के पार यह काम शुरू भी हो चुका होगा। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि मोदी की रणनीति की थाप पाने में 100 साल आगे की सोचने वाला चीन पूरी तरह फैल रहा है। अभी तक चीन ने भारत को लेकर जो सोच बनाई थी, सब कुछ उसके ठीक विपरीत हो रहा है। एलएसी पर भारत न केवल उसके ऊपर दाग रहा है, बल्कि चीनी सैनिकों पर हमला करने की रणनीति अभी बनाने में जुटा है। यानी चले थे नमाज पढ़ने, अब रोजे गले पड़ चुके हैं। वापस लौटे तो जगसाई, नहीं लौटे तो भारत से ठुकाई, मतलब कुआं और खाई के बीच फंस चुके चीन की हेकड़ी निकालने की रस्म अदायगी का बिगुल पीएम मोदी नीमू में बजा आए हैं। अब तक चीन समझ गया होगा कि मोदी लद्दाख में भ्रमण करने नहीं आए होंगे। भारत का यह प्रधानमंत्री चीन की सोच से 10 कदम आगे जाकर सोचता है। मोदी यकीनन कुछ बड़ा करने की ताक में है। घबराहट यही है कि चीन समझ नहीं पा रहा है कि आखिर मोदी करना क्या चाहते हैं। चीन ने अपनी सेना को पूरी तरह चौकस कर दिया है। चीनी फाइटर और हेलीकॉप्टर की एलएसी के पार उड़ाने 3 गुना हो गई है, पर बावजूद इसके पीएलए रक्षात्मक मूड में नजर आती है। यह कमी देखने को मिलता है कि एक वक्त जो सेना भारत की जमीन कब्जाने आई थी, उनकी आक्रामकता का स्थान अब रक्षात्मकता ने ले लिया है। यानी पीएलए को कहीं ना कहीं अपनी जान का डर सता रहा है। सूत्रों की माने तो भारतीय सेना अपना फर्ज निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें ऊपर से जो आदेश मिलेगा उसे अंतिम परिणाम तक ले जाने में सेना सक्षम भी है और पूरी तरह संकल्पित भी है। मोदी ने जवानों के बीच पहुंचकर उनके मनोबल को और दिखाई कर दिया है। देश का मुखिया आज उनके साथ खड़ा है। सेना को मिली पूरी छूट ने उन्हें दुश्मन के लिए और खतरनाक बना दिया है। इसलिए देर सवेर जब एक्शन होगा तो चीन को यह आभास भी नहीं होगा कि उनको कौन ठोक गया।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।